स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, अब हमारा और आपका संपर्क लगातार बना रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि हमारी उपस्थिति आपके बीच में हो और आपको भी लगातार अपने को आकलित करते हुए चलना है, अपने को परीक्षण करते हुए चलना है, अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान जो भी आपने अभी तक अर्जित किया है परीक्षा के संदर्भ में, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू के संदर्भ में, GDC की जो वैकेंसी आने वाली है उस संदर्भ में आपको अपने को आकलित करते हुए चलना है, परीक्षण करते हुए चलना है कि अभी तक आपकी पैठ कितनी गहरी है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आपकी पूरी यूनिट में सारे जो 6 यूनिट हैं UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें 5 यूनिट एक तरफ और करंट अफेयर्स का यूनिट एक तरफ, यानी करंट अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यद्यपि आयोग ने जो मैंडेटरी अपनी बनाई है उसमें उन्होंने कहा है कि 4 से 5 प्रश्न हम देंगे हर एक सेक्शन से, हर एक यूनिट से, लेकिन कभी कभी करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं 7 से 8 9 भी हो जाते हैं, तो लिहाजा आपकी जो प्रैक्टिस है इस पे आपकी फोकस ज़्यादा होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने आपको हर एक यूनिट को कवर करते हुए एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था, आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को। और आइए आप इससे वाकिफ होइए और जवाब दीजिए, अंत में मैं आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न देखिए, दुनिया के कुल आबादी के 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 देशों के समूह जिन्हें हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं कि शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रश्नों से ही आपको बहुत सारे ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है, बहुत सारे ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं। यहां पर अगर पूछता है आपसे कि दुनिया का 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो कौन सा ग्रुप करता है, तो ब्रिक्स आपको आ जाएगा। दोस्तों ब्रिक्स के कंट्री ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आप अवगत होंगे। यहाँ जो मुख्य प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा तो वह होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा 2023 में, लेकिन 2022 में किसने किया, चाइना ने किया। 2021 में किसने किया, तो अपने देश भारत ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निश्चित तौर पर परीक्षा में छप सकता है, मिल सकता है आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए इसको। इसमें कह रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीकात्मक चिन्ह को इंडिया गेट से हटाकर कहां स्थानांतरित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आइए संदर्भ में जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा नेशनल वार मेमोरियल। इससे आपको मैं अवगत करा दूं कि नेशनल वार मेमोरियल सही जवाब है। यहाँ पर 1971 में जो इंडिया गेट पर जो यह एक सिम्बॉलिक बना हुआ था इंडिया गेट पर हमारे शहीद सैनिकों के लिए, उसको ट्रांसफर किया गया है। और यह आपको ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया है, यह कर दिया गया है आपको नेशनल वार मेमोरियल के रूप में। वहां पर जितने भी हमारे शहीद रहे हैं, जो 1962 में जो चाइना से वार हुई थी, 1965 में जो पाकिस्तान से वार हुआ था, 1971 में जो पाकिस्तान से वार हुआ था, इसके अतिरिक्त और भी जो बहुत सारे हमारे सैनिकों के जो शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए यहां पर इसको नेशनल वार मेमोरियल के रूप में ट्रांसफर करके वहां पर बना दिया गया है। इसमें 4 जो सर्किल बनाए हैं इन्होंने, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, इसको भी अपने जहन में अवश्य रखिएगा, नेशनल वार मेमोरियल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दोस्तों यह जो मेजबानी का जिम्मा जो होस्ट करने के लिए मिला है वह मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। यह घोषणा की है किसने, यह घोषणा अनुराग ठाकुर ने की है, इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने इसी घोषणा करी है कि अगला जो यूथ गेम होगा उसका होस्ट कौन करेगा, तो मध्य प्रदेश करेगा, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स संबंधित यह प्रश्न है। अगला प्रश्न भी देखें, बहुत महत्वपूर्ण है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे
फॉर्मर खिलाड़ी को यह पद दिया गया है। आइए देखते हैं, हमने चारों जो ऑप्शन रखे हैं वो फॉर्मर ही हैं। विच फॉर्मर प्लेयर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया इन सितंबर 2022। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार की योजना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुराने खिलाड़ी इन्वॉल्व रहेंगे वे सारी परिस्थितियों से अवगत रहेंगे। तो यहाँ यह जो आंसर होगा वह दिलीप टर्की, इसका सही जवाब होगा फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप टर्की बिकम हॉकी इंडिया फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट आफ्टर हिज अनअपोज्ड इलेक्शन। तो बिना किसी विरोध के इनको चुन लिया गया है, दिलीप टर्की साहब बने हैं क्या, तो ये बने हैं आपके इंडियन हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। पर्सनालिटी का भी प्रश्न हो गया और पोस्ट को जो ग्रहण करने वाला कभी कभी प्रश्न पूछता है उसके लिए भी यह प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न देखिए आपके उत्तर प्रदेश संबंधित है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं, आयोग चयन करता है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आपको इससे अवगत भी होना चाहिए। किस भारतीय राज्य विधानसभा ने महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित कर इतिहास रच दिया, यानी कि भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो यह प्रश्न तो इम्पोर्टेंट बनता ही बनता है दोस्तों। इसी तरह से आपकी अपनी पकड़ होनी चाहिए प्रश्नों के कलेक्शन का, पढ़ने का, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ पैटर्नों से अवगत होने की जरूरत है, अपनी पकड़ को बना करके चलने की जरूरत है। आप विज्ञ हैं, विद्वान हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप खुद ही इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, बस एक बार पैटर्नों से अवगत हो लें, सही दिशा में प्रयास करें, सफलता, स्वर्णिम सफलता आपका कदम निश्चित तौर पर चुमेगी। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, मैं पहले ही आपको इशारा कर चुका हूं। द उत्तर प्रदेश असेंबली मेड हिस्ट्री बाई रिजर्विंग अ डे फॉर द वोमेन मेंबर्स टू स्पीक इशूज लाइक क्राइम अगेंस्ट वोमेन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यह जो है डिस्कशन करने का अवसर दिया हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने, और यह एक बहुत बड़ा अवसर था और भारतीय विधानसभा के इतिहास में, भारतीय राज्यों की विधानसभा के इतिहास में यह एक दिन जो है वह स्वर्णिम अध्याय में लिखा गया। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में शुमार उद्योगपति गौतम अडानी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों यह बायोग्राफी है विलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट, आज के डेट में जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। दूसरा या तीसरा मुकाम इन्होंने हासिल किया था वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में। अडानी इनका एक जो राइज अप हुआ है वह अपने आप में एक चमत्कृत करने वाला है। और इस पुस्तक को लिखा है किसने, यह द बुक रिटन बाय जर्नलिस्ट ऑथर आर एन भास्कर, और यह आर एन भास्कर के द्वारा लिखी गई है। तो ए के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, लिहाजा इसमें व्यक्तित्व, इवेंट, सारी चीज़ों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया। और मेरा ये मानना है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से ही, जैसा कि ईश्वरी कृपा से होते रहा है कि 30 प्रश्नों में 28 से 30 प्रश्न मिल जाते हैं, हम यह तरह का प्रयास करते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं कि आपको उन्हीं प्रश्नों को दिया जाए, भटकाने का प्रयास कभी नहीं रहा है, समझौता नहीं किया गया है क्वालिटी से, सिर्फ ऐसे वैसे प्रश्नों को भरने का प्रयास नहीं किया जाता, आपको वही प्रश्न दिया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम आप गेन कर सको। और चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, या किसी बैकग्राउंड के हों, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इस प्रश्न को देखिए, यह घटना देखिए, सड़क दुर्घटना सितंबर 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले उद्योगपति साइरस मिस्त्री ने किस औद्योगिक समूह के अध्यक्ष पद को संभाला था। साइरस मिस्त्री जिनकी अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई मुंबई के आसपास में, आपने देखा होगा सड़क दुर्घटना में, कार एक्सीडेंट में, इन्होंने किस पद को संभाला था। दोस्तों आपको हम बता दें कि 2012 में यह दूसरे ऐसे व्यक्ति थे, सेकेंड नॉन टाटा टू लीड द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप को लीड करने वाले यह व्यक्ति थे साइरस मिस्त्री, जो कि दिवंगत हो चुके हैं। तो इसको अपने जहन में रखिएगा। और हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एक प्रश्न आपको मिल गया कि अगर पूछता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहां संपन्न हुआ था, आपके पास जवाब होगा मंगोलिया, उड़ान बटोर, मंगोलिया। ओके, यहाँ पर जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, वह कह रहा है कि लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले फ्री स्टाइल पहलवान कौन बने हैं। दोस्तों यह पहलवान बने हैं हमारे जो आप कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले
रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया इस बार तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ही, तीन बार गोल्ड मेडल जीतने वाले यह इस चैंपियनशिप के पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बन गए हैं। रवि कुमार दहिया के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, अप्रैल 2022 में DRDO भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों द्वारा, तीन ग्रुप यहाँ पर है, DRDO आप जानते हैं रक्षा अनुसंधान संगठन है, और भारतीय सेना इंडियन आर्मी है, जबकि भारतीय इंडियन एयरफोर्स है, तीनों ने मिल करके एक टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया था, उसका क्या नाम है। जैसा कि आप जानते हैं रिसर्च से प्रश्न रहता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, लिहाजा इस प्रश्न की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। और वह कौन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन है, यहाँ चार आपको दिखाई दे रहा है, पिनाका, हेलिना, हंसा और चेतक, बहुत सारे नाम इसमें हैं, लेकिन हेलिना इसका सही जवाब है। आप अवगत हो लिए, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है, क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना के बाद जो रफ्तार पकड़ी है उसको देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ते हुए 2022-23 की पहली तिमाही में कितनी विकास दर प्राप्त की है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की बात की जा रही है, तो ये क्वार्टरली जो एस्टीमेशन है उसमें जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, देन दैट द इंडियन इकोनॉमी क्लॉक्ड अ ग्रोथ ऑफ 13.5%। तो यह 13.5% यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, और यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप समझिए कि जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में किस राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विनय समरस्य योजना की शुरुआत की। दो तीन चीज़ें मिल गई कि यह पूछता है किस राज्य में किया, तो मुख्य आपका प्रश्न हो गया, और किसके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका जन्मदिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह क्या है, यह किया है किस गवर्नमेंट ने, तो यह विनय समरस योजना की शुरुआत करी है, जो किसके अगेंस्ट में है, तो कास्ट प्रोजिड्यूस के अगेंस्ट में है, कंपेन अगेंस्ट कास्ट प्रोजिड्यूस, और यह कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोम्मई हैं, और इन्होंने विनय समरस योजना की शुरुआत की है, जो इन्होंने 14 अप्रैल को लॉन्च किया है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बर्थ पर। और विनय के बारे में हम बता दें, विनय एक लड़का है जो 3 इयर्स दलित किड्स है, जिसकी समस्याओं को देखते हुए इस योजना की शुरुआत करी गई है, विनय समरस्य योजना कर्नाटका, आप अवगत हो चुके होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किया है। दोस्तों यह आप प्रश्न देखिए, अक्सर आप जो एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसमें आप भारत और अन्य देशों के बीच में एक्सरसाइज को देखते हैं, अगर यह भारतीय सेना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जो एक स्ट्राइक हुआ है उस संदर्भ में हम बातें करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि यह किसके, गगन स्ट्राइक कहाँ पर हो रहा है, हुआ था तो ये कंडक्ट हुआ था पंजाब में, तो आप पंजाब के साथ जा सकते हैं, पंजाब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अगर पूछता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का, निर्मला सीतारमण, आप अवगत भी होंगे, इन्होंने जुलाई 2022 में किस राज्य में स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय धरोहर को देश को समर्पित किया है। दोस्तों यह किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो यह हुआ है गोवा में, गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, और 14वां प्रश्न देखिए, एक बार अभ्यास से है, यह प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछता है कि कहाँ पे हुआ है, कौन सा एडिशन है, किस देश के बीच में हुआ है, जो सैन्य अभ्यासों का प्रश्न अक्सर पूछता है आपके UPSC में, GDC में, तो यहाँ देखिए, भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास वज्र प्रहार, यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है। दोस्तों यह एक श्रृंखला चलती है, जैसे इंदिरा हो गया वो रशिया के साथ चलता है, सूर्य किरण हो गया नेपाल के साथ चलता है, बोंगो सागर हो गया बांग्लादेश के साथ चलता है, इन सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे, निश्चित तौर पर अवगत होंगे, लेकिन यहां पर जो हमारा प्रश्न है वह है कहां पे हुआ था, तो ये जान लीजिए बकलोह,
हिमाचल प्रदेश, यह भी आप अवगत हो लीजिए। और ये कौन सा एडिशन था दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर यह करंट में एडिशन पूछता है तब आपको अवगत होना होगा कि यह 13वां एडिशन था जो भारत और संयुक्त राज्य की सेनाओं के बीच में हुआ है। तो 13 एडिशन आप समझ चुके होंगे और हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न देखिए, एक बार पुनः रिसर्च से है, दुनिया के पहले सोलर टेलीस्कोप के साथ सूर्य के रहस्यों पर शोध करने के लिए कुआफू वन नामक पहला अंतरिक्ष उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है। यानी कि सोलर टेलीस्कोप के साथ अगर किसी ने परीक्षण किया है तो यह किया है चाइना लॉन्च्ड इट्स ASOS स्पेसक्राफ्ट निक नेम्ड कुआफू फर्स्ट। तो आप चाइना के साथ जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने ध्यान में निश्चित तौर पर रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और योजनाओं से प्रश्न रहा है और यहाँ पर योजनाओं संबंधित प्रश्नों को देखिए क्या कह रहा है कि पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से अधिक आय अर्जित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है। विच स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना टू अर्न मैक्सिमम इनकम फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी बिजनेस। तो यह कार्य किसने किया है, तो यह कार्य किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। योजनाओं से प्रश्न रहा है, इससे पहले भी जो अंकुर योजना आई थी मध्य प्रदेश की थी, यह प्रश्न आयोग ने चयन किया था। तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश से अवगत हो लें और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः चर्चा में रहने वाला प्रश्न है दोस्तों। जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप विज्ञ हैं, विद्वान हैं, मैं कई बार इन बातों को कह चुका हूं और आप हैं भी, डिजर्व करते हैं निश्चित तौर पर। तो प्रश्नों के कंसर्निंग चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िएगा, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यह प्रश्न भी आप देखें कि डिजिटल एड्रेसिंग को बढ़ावा देते हुए भारत का कौन सा शहर स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। और इसका जो आंसर है वह अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों का जन्म देता है। जैसे कि इससे बहुत सारे प्रश्न आप पहले से भी अवगत हैं, यह इसका आंसर हुआ इंदौर। और इंदौर के बारे में हम आपको बता दें कि यह भारत के 10 लाख जो शहर की स्वच्छता सूची आती है उसमें 6 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है। तो इंदौर इसका जो सही जवाब हुआ कि स्मार्ट सिटी विथ एडवांस स्मार्ट एड्रेस, आप इसको समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी समझ सकते हैं कि इंदौर जो है स्वच्छ शहरों की सूची में लगातार 6 वर्षों से प्रथम स्थान पर है और यह मध्य प्रदेश का एक शहर है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से एक बार पुनः है, क्या कह रहा है कि क्ले कोर्ट पर, दोस्तों मैंने कई बार आपसे कह चुका हूं कि प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों के लगे हुए फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सॉरी एक प्रश्न छूट गया था, एक अगला प्रश्न जो 18वां प्रश्न है, दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया जिसे माया नाम दिया गया है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बनाया है। दोस्तों क्लोन पर रोक लग गई थी, आपको पता है डॉली भेड़ के नाम पर बहुत सारा आपने देखा था उस समय, लेकिन फिर चाइना ने एक नया क्लोन बनाया है और उसका क्या नाम दिया है, अ वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ वॉज सक्सेसफुली क्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बाई चाइना, और यह नाम दिया है माया। तो आप इससे अवगत हो लीजिए, माया अकॉर्डिंग टू द कंपनी द वुल्फ नेम माया इज इन गुड हेल्थ। तो अभी सही पोजीशन में है माया। और हम बढ़ेंगे, आप चैनल के साथ चले जाइए और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मैं कह रहा था स्पोर्ट्स से है, क्ले कोर्ट पर मैंने कहा था आपसे कि स्पोर्ट्स में जब भी ग्रैंड स्लैम से प्रश्न आता है, यह प्रश्न भी आता है ग्रैंड स्लैम इज द टर्म द ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो लॉन टेनिस। अगर जो मेन इसकी प्रतियोगिताएँ हैं चारों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे यानी कि रेलागेरा की मिट्टी पे, लाल मिट्टी पे कौन खेला जाता है, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है, और ग्रास कोर्ट पे विंबलडन खेला जाता है। जो विंबलडन किस देश में है, तो विंबलडन किस देश में होता है, तो इंग्लैंड में होता है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है, चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं से आप अवगत होंगे, आइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन बने हैं दोस्तों, तो इसके विजेता बने हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल को आप जानते हैं क्योंकि महान खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल, और इन्होंने किसको हरा करके, कैस्पर रूड को हरा करके यह प्रतियोगिता जीती है, 6-3, 6-3, 6-0 से इन्होंने हराया फाइनल में और फ्रेंच ओपन के विजेता बने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है
इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किस शहर को नामित किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, और यह नामित किया गया है किसको, कोझिकोड को, तो कोझिकोड के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है कि इतिहास में पहली बार अपने हेडक्वार्टर से बाहर निकल करके एनटीसीए जो एनटीसीए क्या करता है, एनटीसीए आप जानते हैं कि यह एक नेशनल कैपिटल रीजन में यह स्थित है, यह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और यह पहली बार इसकी 20वीं जो बैठक हुई है राजधानी से पहली बार किस अभयारण्य में हुई है, तो यह पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुई है। आप इसको समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी यह प्रश्न आ सकता है 21 का भी। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत सही स्थिति नहीं है भारत की, इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों 107 पोजीशन भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। भारत की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी देशों से भी सिर्फ अफगानिस्तान से ही आगे, 101 पोजीशन था भारत का, लेकिन अभी 107 हो गया, 6 अंक फिसला है भारत। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, 107 जो, यद्यपि भारत ने इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया है और आलोचना की है कि इस पैमाने पर इसको बनाया गया है। तो खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कब तक पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो यह लक्ष्य रखा है भारत ने 2030 तक पूरी तरह से एंटायर कंट्री से मलेरिया को हटा दिया जाएगा। कब तक, 2030 तक, सी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आप अवगत भी होंगे, लेकिन अपने जहन में रखिएगा, कॉमनवेल्थ से प्रश्न आते रहे हैं और निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपको मिल सकता है। यह कह रहा है इस प्रश्नों में एक प्रश्न आपको उत्तर छिपा हुआ है। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्किंगम इंग्लैंड में संपन्न हुआ, उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसने निभाई, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु से आप अवगत होंगे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका किसने निभाई थी। दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें अजंता शरद कमल और निखत जरीन, अजंता कमल शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, निखत जरीन जो बॉक्सर रही हैं। दोस्तों एक बात और बता दें कि इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्किंगम में हुआ, अगला कहाँ होगा, चार वर्षों के बाद होता है, तो अगला जो होगा वह 2026 में कहाँ पर होगा, तो यह विक्टोरिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अगला आप एक प्रश्न और जान ले इससे संबंधित, अगर यह प्रश्न पूछता है आपसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तरफ से इंडिविजुअली किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए थे, तो इसमें जो अजंता शरद कमल है, 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किया था, तो इसको भी अपने जहन में अवश्य रखिएगा। इस तरह से कंसर्निंग प्रश्नों को आप पढ़ते हुए चलेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि किसी भी स्तर पर मेरे प्रैक्टिस सेट की, मेरे नोट्स की, मेरे टेस्ट सीरीज जो भी स्टार्ट होने वाली है उसकी अगर ज़रूरत है आप हमसे जुड़ सकते हैं, बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप क्या हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या बन सकते हैं यह मायने रखता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के बदले हुए ध्वज में प्रयुक्त अष्टकोणीय ढाल किस महान भारतीय राजा की राजमुद्रा से ली गई है। तो यहां पर ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, चारों भारत के महान राजाओं में शुमार किए जाते हैं, जो यह लिया गया है, जो अभी इस प्रतीक चिन्ह को हमारे सेना के नेविगेशन से हटा दिया गया, और जो इंग्लैंड का जो मार्क था जो फ्लैग में था उसको हटा दिया गया, और भारतीय सेना ने इसको अडॉप्ट किया, नेविगेशन ने अडॉप्ट किया, भारतीय प्रधानमंत्री जहां पर उन्होंने कोच्चि में इस समारोह में इसको हटाया गया। और यह जो शिवाजी महाराज थे हमारे मराठा शिरोमणि हमारे देश किसान, उनकी राज चिन्ह में फ्लैग में जो अष्टकोणीय चीज़ें थी उसको अपनाया गया है। तो इस चीज़ को अपने जहन में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए करंट इशूज से है, कौन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री ने प्रतियोगिता के ज्यूरी सदस्य की भूमिका निभाई। दोस्तों यह भूमिका निभाई थी दीपिका पादुकोण ने, इसको अपने जहन में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए,
बिप्लव देव के त्याग पत्र के बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री का भार पद किसने संभाला है, तो दोस्तों यह संभाला है किसने, मानिक शाह ने। मानिक शाह के साथ आ जा सकते हैं, ए के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, ऑल इलेक्ट्रिक हवाई जहाज जो पूर्ण रूप से बिजली से चलेगा ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। दोस्तों यह जो ऑल इलेक्ट्रिक हवाई जहाज है इसने एन ऑल इलेक्ट्रिक एयरप्लेन नेम्ड एलिस सक्सेसफुली कम्प्लीटेड इज फर्स्ट फ्लाइट इन सेंट्रल वाशिंगटन USA। तो आप USA के साथ जा सकते हैं, अमेरिका के साथ जा सकते हैं। और हम आ गए हैं किस प्रश्न की तरफ, 29वें प्रश्न की तरफ, यह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर आपको परीक्षा मिल सकता है, कि सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही भारतीय ध्वज संहिता 2022 में क्या संशोधन किया। तो दोस्तों भारतीय सरकार ने जो ये संशोधन किया है उसमें उन्होंने कहा, पहले जो हम फ्लैग जो होस्ट करते थे, फ्लैग फ्लॉन करते थे, यहाँ इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अलाउइंग द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लॉन बोथ इन द डे एंड एट ए नाइट इट इज डिस्प्लेड इन द ओपन और इन द हाउस ऑफ ए मेंबर ऑफ द पब्लिक। अर्लियर द ट्राइकलर कुड बी होस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में चलता था, अब उसको ओपन कर दिया गया, दिन और रात पूरी तरह से आप इसको फहरा सकते हैं, फ्लॉन कर सकते हैं, यानी कि आप बी के साथ जा सकते हैं। और बढ़ते हुए हम आ गए 30वें प्रश्न की तरफ, एक बार पुनः आपसे कहूँगा, किसी भी स्तर पर हमारी आवश्यकता है, हमारे नोट्स की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट की, टेस्ट सीरीज की, आप हमसे जुड़ सकते हैं और वे सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, अपनी स्वर्णिम सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह GDC हो, GIC हो या UPSC हो, महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय ऐतिहासिक स्थल विदेशी आगंतुकों के लिए सबसे लोकप्रिय रहा है। दोस्तों इस चीज को अपने ध्यान में रखिए कि यहां पर जो ट्रेडिशनली हम जानते हैं ताजमहल को, लेकिन वह बदल गया है। यहां पर जो इस बार का जो आगमन हुआ है, मोस्ट पॉपुलर सेंट्रली प्रोटेस्टेड जो मॉन्यूमेंट्स फॉर फॉरेन विजिटर्स, तो यह ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मामल्लापुरम तमिलनाडु, यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। यह मामल्लापुरम में स्मारकों का जो समूह है तमिलनाडु में, उसको बहुत ज्यादा विजिट किया गया विदेशी ट्रेवलर्स के द्वारा, तो यहां पर सी का सही जवाब हुआ। लेकिन अगर डोमेस्टिक वे में देखा जाए कि डोमेस्टिक विजिटर्स कहां पर गए हैं, तो वो ताजमहल में गए हैं, लेकिन अगर विदेशी जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके हिसाब से यह सी का सही जवाब हुआ। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर के बारे में मैं नहीं कहता, क्योंकि वो आप करते हैं और करते भी रहना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए आगे, और निकट भविष्य में पुनः हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू, स्वागत है दोस्तों।